तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बना चुके हो, बना लिए होंगे। नहीं बनाए तो मिला लीजिएगा। जैसे इसमें कह रहा है कि 30 सितंबर 2015 को 75% शेयर एस लिमिटेड एच लिमिटेड से लिया, जिसका कीमत है 8,25,000। तो देखते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,25,000। उसके बाद उसका जो एक्चुअल रेट था वो हम लोग देखते हैं। प्लेस पेड अप वैल्यू इसका आ जाएगा 10 लाख का 75%। उसके बाद इसमें लॉस दिया हुआ है 10,000, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये आपको हो जाएगा 10,000 का 3/4, 2,500, और ये आपका आ जाएगा 7,500। तो लॉस था, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो आपको आ जाएगा इसमें 7,42,500। तो टोटल आएगा आपको 82,582,500 आपका आएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहिए या गुडविल कहिए। उसके बाद इसमें निकालना है एक और, इसका लॉस कितना हुआ है सो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दो है, एक प्री एक्विजिशन है, देखिए यहाँ पे प्री एक्विजिशन लॉस आपका था इसमें 60,000, और उसके बाद और इसमें दिया है प्री प्रॉफिट, जो कि हम लोग टोटल निकाल के देखते हैं। तो आपको हो जाएगा इसमें
60,000 प्लस 40,000 और कितना समय का है, तो 6 महीने का है, 6/12। इसको अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 50,000। तो पहले आपको 60,000 का लॉस था, उसके बाद 50,000 प्रॉफिट हुआ, तो आपको नेट लॉस 10,000 का हुआ। यही आपका क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे तो आसान था। अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, इसको नोट कीजिए। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, एक लाख 5,000। उसके बाद प्लेस पेड अप वैल्यू है आपको 45,000 जनरल रिजर्व 12,000। टोटल आपका आएगा 57,000। 0,0,0,8,48,000 तो ये आपका आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल कहिए। उसके बाद इसमें एक और चीज आपको निकालना है कि अनसोल्ड स्टॉक जो है उस पे प्रॉफिट कितना होगा, उसको निकालना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देखिएगा कि दिया हुआ है कि 5,000 का जो परचेज किया था तो उस पे उसको 1,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, देखिए 1,000 का उसको प्रॉफिट हुआ, 5,000 का टोटल था, और परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो आपका आ जाएगा 20%। और यही हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग के पास अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है 3,000। अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है 3,000 और हम लोग 3,000 का 20% निकालेंगे, तो आपको आ जाएगा 5,600, तो आपको आ जाएगा 600। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। हम लोग सीरियल से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक बनाते आए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर
नौ दस और 11 को सॉल्व करें। धन्यवाद।